So ता है की नहीं कर पाएगा बट वॉन्ग के पास कोई मैनेजर नहीं था क्यूँकी वॉन्ग की मैनेजर का एक्सीडेंट टॉन्ग के साथ हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी वॉन्ग को ग्यो को अपना मैनेजर बनाना पड़ता है ग्यो दिलता है जब ग्यो बताता है की उसे भी जॉब मिल गई है और वो वोंग का मैनेजर है जिसपे दा कहती है कि ग्यो ये नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि ग्यो एक रोबोट है पर ग्यो कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा ग्यो कहता है कि दा को एक जॉबलेस बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था इसलिए दा मान जाती है ग्यो दा के घर चला जाता है और दा वोंग की मैनेजर से मिलने जाती है जब वोंग की मैनेजर दा को बताती है कि उसका एक्सीडेंट टॉम से हो गया था पर वोंग की मैनेजर को पता चलता है कि टॉम हॉस्पिटल से भाग गया वोंग के मैनेजर दा से वोंग के बारे में बात करती है पर दा वोंग के बारे में बात नहीं करना चाहती थी वोंग की मैनेजर दा की रिंग देख लेती है और दा से पूछती है कि क्या वो ग्यो को डेट कर रही है जिस पे दा कहती है कि नहीं वोंग की मैनेजर दा से वोंग की बात करना चाहती थी पर वो नहीं करती और दा वहाँ से चली जाती है टॉम दा के घर चला जाता है जहाँ उसे ग्यो मिलता है टॉम को पता चलता है कि ग्यो दा के साथ रह रहा है और टॉम ग्यो से कहता है कि अभी उसे दा के साथ ही रहना होगा पर वो जल्द ही ग्यो को ले जाएगा कॉम कहता है कि से प्यार करता है पर ग्यो को भी प्यार मिलना चाहिए इसीलिए टॉम उसे अपनी कंपनी से ले आया था और टॉम वहाँ से चला जाता है टॉम का सीनियर और उसके कलीग को दा की कंपनी के बारे में पता नहीं चलता तभी टॉम की कंपनी में काम करने वाला एक आदमी टॉम के सीनियर को दा की कंपनी के बारे में बताता है ग्यो वॉन्ग के घर जाने लगता है जब दा उसे रोकती है पर ग्यो नहीं रुकता क्योंकि उसे वो जॉब करनी थी ग्यो वॉन्ग के घर चला जाता है वॉन्ग का टॉक ग्यो को देखकर खुश हो जाता है और ये देखकर कर वॉन्ग शौक था ग्यो ने वो स्टिकर लगा या था जो दा ने उसे दिया था वोंग का टेस्ट लेने लगता है वोंग यो से कहता है कि यो को वोंग के ऑर्डर्स मानने होंगे जिससे वोंग ये पहचान सके कि ग्यो उसका मैनेजर बन सकता है वोंग ग्यो को एक रेस्टोरेंट से कॉफी लाने को कहता है पर उसकी आइस पिघलनी नहीं चाहिए और वोंग कहता है कि ग्यो की नहीं कर सकता तो ग्यो को ये जॉब नहीं मिलेगी पर ग्यो कहता है कि वो ये कर लेगा और ग्यो कॉफी लाने चला जाता है और कुछ देर बाद ग्यो वो कॉफी लेके आ जाता है ग्यो वैसी ही कॉफी लाया था जैसी वोंग को पसंद थी और ग्यो वो कॉफी आइस कंटेनर में लाया था जिससे आइस पिघली नहीं थी वोंग शौक था कि ग्यो कॉफी जल्दी कैसे लेके आ गया वॉन्ग ग्यो से पूछता है कि वो ये कॉफी कैसे लेके आया जिसपे ग्यो कहता है कि उसने उस रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछा था कि वॉन्ग को कैसी कॉफी पसंद है और ग्यो ने स्टाफ से वैसी ही कॉफी बनाने को कहा था और ग्यो ने ये टेस्ट पास कर लिया था वॉन्ग कहता है कि ये इजी था पर ग्यो को एक और टेस्ट पास करना होगा वोंग ग्यो से कहता है कि ग्यो को एक डिश लानी होगी पर वो एक फेमस शेफ के हाथ से बनी होनी चाहिए और ग्यो वो डिश लाने चला जाता है वॉन्ग को लगा था कि ग्यो वो डिश नहीं ला पाएगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं करता था पर कुछ देर बाद ग्यो उस शेफ़ को लेके आ जाता है जिसकी डिश वोंग ने लाने को कहा था वो शेफ बताता है कि ग्यो ने उससे रिक्वेस्ट की थी इसीलिए वो शेफ वहाँ आया ग्यो बताता है कि वो शेफ वोंग का फैन है और वो शेफ वोंग के घर में वो डिश बना देता है वोंग को वो डिश पसंद आ जाती है और ग्यो को मैनेजर की जॉब के लिए हायर कर लिया जाता है ज्यो शेफ को छोड़ने जाता है दा परेशान थी कि ग्यो का दिन कैसा जा रहा होगा और वो ग्यो को देखने जाने लगती है जब दा को बाहर टॉम का सीनियर और उसके कलीग दिखते है दा उनसे पूछती है की वो कौन है जिसपे टॉम का सीनियर कहता है कि वो एक किलर को ढूंढ रहे हैं जिसने डॉग्स को मारा है पर दा कहती है कि उसने ऐसे किसी को नहीं देखा और टॉम का सीनियर और उसका कलीग वहाँ से चले जाते हैं ग्यो वोंग के बिहेवियर को एनालाइज करता है तभी वहाँ वोंग आ जाता है वोंग कहता है कि उसे नहीं पता कि दा ग्यो को क्यों डेट कर रही है जिसपे ग्यो वोंग को वो स्टिकर दिखाता है जो दा ने ग्यो को दिया था वोंग वो स्टिकर हटाने लगता है पर ग्यो वोंग को रोकता है और कहता है कि ये स्टिकर स्पेशल लोगों के लिए है वोंग ग्यो को मारने वाला होता है पर वो रुक जाता है दा वोंग से मिलती है और कहती है कि वो ग्यो के साथ ऐसा क्यों कर रहा है जिसपे वोंग दा से पूछता है कि क्या वो ग्यो को पसंद करती है जिसपे दा कहती है नहीं तभी वहाँ ग्यो आ जाता है और ग्यो और दा वहाँ से जाने लगते हैं, तभी दा की रिंग में ब्लैक लाइट जलती है ग्यो को लगता है कि दा ग्यो से नाराज है तभी वोंग देखता है कि एक आदमी दा को घायल करना चाहता था और वोंग दा को बचा लेता है ग्यो वहाँ एक आदमी को देखता है और ग्यो उसे पकड़ने जाता है ग्यो अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है जिससे वो आदमी दूर गिरता है ग्यो उस आदमी से पुलिस स्टेशन चलने को कहता है और दा वोंग और ग्यो उस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं वोंग को लगता है की दा को चोट लगी थी वोंग उस आदमी से पूछता है की क्या उस आदमी ने वोंग को वो बॉक्सेस भेजे थे जिसपे वो आदमी कहता है नहीं वोंग उस आदमी को मारने वाला होता है पर वोंग को रोक लिया जाता है वोंग दा से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है जिसपे दा कहती है वो ठीक है वोंग जाने लगता है और वॉन्ग्यो से कहता है कि ये मेडिसिन दा के लिए ठीक नहीं है और वोंग ग्यो को एक मेडिसिन देता है और वहाँ से चला जाता है दा वोंग की वो मेडिसिन देखती है और खुश हो जाती है कि ग्यो वो मेडिसिन लेके आया था दा पूछती है कि ग्यो को उस मेडिसिन के बारे में कैसे पता जिसपे ग्यो कहता है की उसे ये वोंग ने दी है दा को याद आता है की जब वोंग उसके लिए ये मेडिसिन लाया था और दार ग्यो वहाँ से चले जाते हैं वोंग को एक कॉल आता है जो उसी आदमी का था जिसने वोंग को वो बॉक्सेस भेजे थे वो आदमी वोंग से कहता है कि वोंग ने दा को नहीं छोड़ा जिसपे वोंग कहता है कि वोंग उससे नहीं डरता क्योंकि उस आदमी के पास हिम्मत नहीं है वोंग के सामने आने की और उस आदमी के पास जो भी एविडेंस है वो सबको दिखा सकता है पर वो आदमी कहता है कि वोंग झूठ कह रहा है और उसने वो एविडेंसेस रिलीज कर दिए तो दा प्रॉब्लम में पड़ जाएगी दा ग्यो को थैंक्स कहती है दा को की मैनेजर का कॉल आता है जब वोंग की मैनेजर बताती है कि वोंग दा से मिलने उस दिन रेस्टोरेंट आया था पर वोंग की मैनेजर के एक्सीडेंट की वजह से वोंग को हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वो दा से नहीं मिल पाया दा को याद आता है जब वोंग ने उसे बताया था कि वो वहाँ आया था पर दा ने वोंग पर ट्रस्ट नहीं किया था वोंग के मैनेजर पूछती है कि क्या वो वोंग के साथ है जिसपे दा कहती है नहीं और वोंग की मैनेजर को बुरा लगता है ग्यो दा से कहता है कि वो भी लव्ड फील करना चाहता है ग्यो कहता है कि जब भी दा किसी और को देखती है तो ग्यो को अजीब लगता है दा को याद आता है कि उसे जॉब पर जाना है पर दा और ग्यो दूर आ गए थे और दा ग्यो को उसे वापस ले जाने को कहती है क्योंकि दा को जॉब पर जाना था ग्यो और दा एक रेंटेड गाड़ी ले लेते हैं और ग्यो दा को वापस ले आता है दा ग्यो से पूछती है कि ग्यो को भी जॉब पर जाना है जिसपे ग्यो कहता है उसे भी जॉब पर जाना है और दा ग्यो से कहती है कि वो रेंटेड गाड़ी वापस कर दे और यो वो कार वापस करने चला जाता है वोंग की मैनेजर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेती है क्योंकि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और वोंग अपनी मैनेजर को लेने आता है वोंग की मैनेजर कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वोंग उसकी गाड़ी चला रहा था वोंग की मैनेजर वोंग से कहती है कि उसे पता है कि वोंग दा से नहीं मिल पाया जिसपे वोंग कहता है कि किसी ने दा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी इसीलिए वोंग कुछ वक्त के लिए दा से दूर रहेगा वोंग के मैनेजर वोंग से उसके नए मैनेजर के बारे में पूछती है जिसपे वोंग कहता है कि वो वोंग से इस बारे में ना पूछे और वोंग अपने मैनेजर को लेके चला जाता है दा को अजीब लगता है कि ग्यो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है क्योंकि ग्यो ने कहा था कि वो दा से प्यार करता है पर अब ग्यो भी लव फील करना चाहता था दा पता लगाने की कोशिश करती है कि ग्यो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था क्या ग्यो के अंदर कोई ऐसी चिप है पर ग्यो के अंदर ऐसी कोई चिप नहीं थी दा अपनी जॉब पर चली जाती है और ग्यो भी वोंग के पास चला जाता है ग्यो को वोंग को लेके शूटिंग पर जाना था वोंग ग्यो से दा के बारे में पूछता है जिसपे ग्यो वोंग से पर्सनल सवाल ना पूछने को कहता है और वोंग और ग्यो शूटिंग पर चले जाते हैं वहाँ दा भी थी वोंग को सबसे ज्यादा लव डॉक्टर चुना गया था और वोंग इससे खुश हो गया था दा और उसकी टीम भी वहाँ थी वोंग दा को इग्नोर कर देता है तभी दा की टीम मेट क्यो को वहाँ देखती है दा की टीम को लगता है की क्यों वहाँ उसके लिए आया है पर ग्यो दा के पास चला जाता है और ग्योदा से कहता है कि वो उससे प्यार करता है दा के टीममेट्स शॉक शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्यो दा का कजन है ग्यो दा को गर्लफ्रेंड कहने वाला होता है पर दा ग्यो को रोक देती है और दा कहती है कि उसका कजन अब्रॉड से आया है इसलिए वो ऐसा कर रहा है और दाग्यो को वहाँ से जाने के लिए कहती है दा और बाकी लोग बैठे होते हैं जब ग्यो दा को लव साइंस भेजता है पर दाग्यो से ऐसा ना करने के लिए कहती है दाग्यो को वहाँ से ले जाती है और ग्यो से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जिसपे ग्यो कहता है कि वो भी लव्ड फील करना चाहता है ग्यो दा से ग्यो को किस करने के लिए कहता है पर दा मना कर देती है ग्यो कहता है कि दा ने उसे किस नहीं किया तो वो सबके सामने दा को गर्लफ्रेंड कहकर बुलाएगा जिसपे दागियो को किस करने के लिए तैयार हो जाती है दा को अजीब लगता है पर दागियो को चीक्स पर किस कर लेती है तभी वहाँ दा का टीम आ जाता है और दा का टीम दा से इस बारे में पूछता है दा के टीम को यकीन नहीं होता कि दा ने अपने कजन को किस किया जिसपे दा उसे बताती है कि ग्यो उसका कजन नहीं है दा का टीम पूछता है कि क्या ग्यो दा का बॉयफ्रेंड है जिसपे दा कहती है हाँ और इससे गियो खुश हो जाता है कि दा ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बताया था दा के टीममेट को लगता है कि दा ग्यो का वही पुराना बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में दा ने उन्हें नहीं बताया था दा अपने टीममेट से कहती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और दा और ग्यो बाहर जाते हैं और वोंग दा और ग्यो को देख लेता है शूटिंग के सभी लोग डिनर पर जाते हैं जब ग्यो दा के साथ होता है वोंग भी दा और ग्यो के पास चला जाता है दा की टीम मेट ग्यो ऐसी पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसपे दा ग्यो से ना कहने के लिए कहती है और ग्यो कहता है नहीं पर वोंग ये देख लेता है कि दा ने ग्यो से ऐसा कहने के लिए कहा था और वोंग वहाँ से चला जाता है वोंग दा से पूछता है कि ग्यो ने दा को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बताया जिसपे दा वोंग से कहती है कि वोंग ने भी ये बात किसी को नहीं बताई थी कि दा उसकी गर्लफ्रेंड थी दा वोंग से पूछती है कि जब वोंग ने दा को डिनर पर बुलाया था तब वोंग दा से क्या कहना चाहता था पर तभी वोंग को वो थ्रेट्स याद आ जाती है जो उसे दी गई थी कि वोंग दा के साथ रहा तो दा की जान को खतरा हो सकता है और वोंग दा से कहता है कि उसे याद नहीं है दा वहाँ से जाने लगती है पर वोंग दा को रोक लेता है तभी वहाँ ग्यो आ जाता है दा को ले जाने वोंग ग्यो को रोकता है पर ग्यो वोंग से कहता है कि दा उसकी गर्लफ्रेंड है दा ग्यो से कहती है कि वो खुद चली जाएगी और दा वहाँ से चली जाती है ग्यो वोंग को छोड़ने जाता है जब वोंग ग्यो से उन टिकट्स के बारे में पूछता है जो ग्योह ने जीते थे जिससे वो दा को घुमाने ले जा सकता था पर ग्यो कहता है कि वो दा को नहीं ले गया था क्यों कहता है कि दा को कुछ अर्जेंट काम आ गया था और वो चली गई थी तभी वोंग को याद आता है कि दा उससे मिलने आई होगी इसीलिए दा सैड थी और दा और ग्योह नहीं जा पाए थे ग्यो दा के पास आता है और दा से पूछता है कि वो सैड क्यों है जिसपे दा कहती है कि वो सैड नहीं है ग्यो कहता है कि दा जब वोंग से मिलती है तब दा सैड हो जाती है और दा वहाँ से चली जाती है ग्यो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि दा ग्यो से प्यार करे टॉम का कलीग परेशान था कि ग्यो उन्हें नहीं मिला तो वो सीओ से क्या कहेंगे टॉम के सीनियर को याद आता है कि उसने दा के हाथ में वो रिंग देखी थी जो ग्यो की थी जब वो दा से ग्यो के बारे में पूछने गए थे और टॉम का सीनियर कहता है कि वो जानता है कि ग्यो कहाँ हो सकता है दा देखती है कि ग्यो दा के लिए एक फ्लावर लेके खड़ा था ग्यो दा से कहता है कि ग्यो चाहता है कि दा उसे प्यार करे पर दा को समझ नहीं आता कि ग्यो ऐसा क्यों भी कर रहा है पर तभी दा के घर को आता है और दा देखने चली जाती है वहाँ टॉम के सीनियर और उसके कलीग आए थे टॉम का सीनियर कहता है कि वो ग्यो को, को लेने आए हैं दा कहती है कि वहाँ कोई नहीं है जिसपे टॉम का सीनियर दा की वो रिंग देख लेता है और दा से पूछता है कि ग्यो कहाँ है दा टॉम के सीनियर और उसके कलीग को बाहर जाने के लिए कहने लगती है तभी ग्यो वहाँ आ जाता है टॉम का सीनियर और उसके कलीग दा को धक्का देने लगते हैं और ग्यो इससे नाराज हो जाता है और ग्यो टॉम के कलीग का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि टॉम के कलीग ने जो की गर्लफ्रेंड को धक्का दिया था जिससे टॉम के कलीग को दर्द हो रहा था पर तभी टॉम का सीनियर एक कोट कहता है जिससे ग्यो ऑफ हो जाता है टॉम का सीनियर ग्यो को ले जाने लगता है पर तभी वहाँ वोंग आ जाता है टॉम का कलीग वोंग को देख कर शौक था पर टॉम का सीनियर इस पे ध्यान नहीं देता और वो ग्यो को ले जाने लगता है वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है वोंग कहता है कि टॉम का सीनियर वोंग के मैनेजर को किडनैप नहीं कर सकता वरना वोंग उसकी कम्प्लेन कर देगा टॉम का कलीग टॉम के सीनियर को वोंग के बारे में बताता है और कहता है कि वोंग ने उसकी कम्प्लेन कर दी तो वो मुसीबत पड़ जाएंगे को को तभी पुलिस की साइरन की आवाज आती है और टॉम के सीनियर और उसका कलीग को लगता है कि पुलिस वहाँ आ गई तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, और टॉम का सीनियर और उसके कलीग वहाँ से चले जाते हैं पुलिस के सायरन की आवाज टॉम ने निकाली थी जब वो दा के घर के बाहर था और उसने अपने सीनियर को देख लिया था टॉम गियो के पास आ जाता है और बताता है कि टॉम के सीनियर को टॉम को ऑफ करने का टेम्प्रेरी कोड पता है द टॉम से टॉम के सीनियर के बारे में पूछती है जिसपे टॉम बताता है कि गियो को किसी और के पास जाना था पर टॉम गियो को लेके भाग गया और टॉम गियो को वापस ऑन कर देता है गियो टॉम से दा के बारे में पूछता है टॉम कहता है कि दा वोंग के साथ है गियो टॉम से कहता है कि वो चाहता है कि दा उसे प्यार करे टॉम शॉक हो जाता है और ग्यो से पूछता है कि ग्यो ने ऐसा क्यों सोचा जिसपे ग्यो कुछ नहीं कहता पर ग्यो सैड था वोंग दा से पूछता है कि क्या उस दिन दा वोंग से मिलने आई थी जिसपे दा कहती है हाँ दा कहती है कि वो वोंग से मिलने आई थी पर वो वोंग का वेट करके चली गई थी क्योंकि वोंग के पास हर बार कोई एक्सक्यूजेस होते हैं पर दा अब एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती थी वोंग दा को बताने वाला होता है कि वोंग ने दा से ब्रेकअप क्यों किया पर तभी टॉम आ जाता है टॉम कहता है कि ग्यो अब वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि टॉम के सीनियर को ग्यो के बारे में पता चल गया है और वो ग्यो को ले जा सकते हैं इसीलिए उन्हें ग्यो को कहीं और रखना होगा जिससे टॉम के सीनियर को ग्यो का पता न लग सके तभी वोंग कहता है कि वो ग्यो को अपने साथ रखेगा पर दा टॉम से कहती है कि वो ग्यो को वोंग के साथ नहीं रख सकती क्योंकि वोंग को ग्यो के बारे में पता चल जाएगा पर टॉम कहता है कि ग्यो वोंग के साथ सेफ रहेगा और ग्यो वोंग के साथ रहने चला जाता है दा एक मास्क वाले आदमी को देखती है और परेशान हो जाती है पर वो ग्यो था ग्योह अपना मास्क उतार देता है ग्यो कहता है कि वो दा से मिलने आया है दा ग्यो से जाने को कहती है क्योंकि इससे ग्यो को खतरा हो सकता था वोंग अच्छा फील नहीं कर रहा होता और वोंग ग्योह को बुलाता है पर वोंग को ग्यो का एक लेटर मिलता है कि ग्यो दा से मिलने गया है ग्योह अपना रूम देखता है जिसे दा ने अच्छे से रखा था और ग्योह खुश हो जाता है ग्यो दा से पूछता है कि क्या दा दाग्यो से प्यार करती है पर दा कहती है कि ये वैसा प्यार नहीं है और ग्यो दा को हक कर लेता है पर दा रोने लगती है और ग्यो ये नहीं देख पाता तभी कोई दा की खिड़की तोड़ देता है क्यों देखने जाता है कि वो कौन है जहाँ ग्यो को वैसा ही बॉक्स मिलता है जैसा के लिए आया था और ग्यो वो बॉक्स दा को देता है दा जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वैसी ही चीजें थी जैसी वोंग के लिए आई थी और उसमें लिखा था कि दा वोंग से ब्रेकअप कर ले इससे दा को याद आता है कि जब दा ग्यो और वोंग पुलिस स्टेशन गए थे तब वोंग ने उस आदमी से उस बॉक्स के बारे में पूछा था जिससे दा को लगता है कि वोंग को भी ऐसे ही लेटर्स आते थे जिससे वोंग ने दा से ब्रेकअप कर लिया था और दा वोंग के घर चली जाती है जहाँ वोंग बेहोश हो जाता है तभी वहाँ ग्यो आ जाता है और वो वोंग और दा को साथ देख लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए इन्जॉय करिए एंड बोरा है